करवा चौथ का व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए खास होता है। वो अपने पति की लंबी आयु के लिए और सुख समृद्धि के लिए ये व्रत रखती हैं। इस दिन महिलाएं 16 श्रृंगार कर माता पार्वती, भगवान शिव के साथ साथ चौथ माता की भी पूजा करती हैं। ये व्रत निर्जला रखा जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार करवा चौथ हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को रखा जाता है। करवा चौथ व्रत का पारण कब? करवा चौथ व्रत सूर्योदय के बाद से शुरू होता है और चंद्रोदय तक रखा जाता है। इस दिन चंद्रदेव को अर्घ देना शुभ माना जाता है। चांद देखने के बाद ही व्रत खोला जाता है। पति के हाथों से जल ग्रहण कर व्रत किया जाता है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि करवा चौथ वाले दिन चांद कब निकलेगा। देश के अलग अलग शहरों में अलग अलग समय पर चांद निकलेगा। लखनऊ 7:59 पर, शिमला 8:03 पर, गांधीनगर 8:51 पर, अहमदाबाद 8:41 पर, कोलकाता 7:37 पर, पटना 7:44 पर, प्रयागराज 7:57 पर, असम 7:11 पर, कानपुर 8:02 पर, चंडीगढ़ 8:06 पर, लुधियाना 8:10 पर, जम्मू 8:08 पर, बेंगलुरु 8:40 पर, गुरुग्राम 8:21 पर, दिल्ली 8:09 पर, नोएडा 8:08 पर, मुंबई 8:48 पर, जयपुर 8:18 पर, देहरादून 8:02 पर। लगभग सभी शहरों में चांद रात्रि 8 बजे से लेकर 9 बजे तक के बीच में निकल आएगा। फिलहाल इस जानकारी में इतना ही।